मध्य प्रदेश सरकार शासकीय स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए नित नए नवाचार कर रही है, लेकिन ग्राम पंचायत अतनिया के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक शाला मानपुरा की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि स्कूल में बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य ग्राम पंचायत द्वारा 2 वर्ष पूर्व कराया गया था, जो कि आज भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। पूरे मामले में संस्था के प्राचार्य द्रौपदी तिवारी का कहना है कि बाउंड्री वॉल अधूरी होने से आवारा गौवंश का जमावड़ा लगा रहता है और पूरे परिसर में गंदगी हो जाती है। उनके द्वारा कई बार ग्राम पंचायत अतनिया के सरपंच और सचिव को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं मानपुरा शाला में पदस्थ रसोइया फूला यादव का कहना है कि उनके द्वारा प्रतिदिन यहां पर साफ सफाई की जाती है और करनी पड़ती है, दूसरे दिन स्थिति ज्यों की त्यों हो जाती है। कारण है आवारा गौवंश का परिसर में बैठना, लेकिन इस ओर जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं और वह चाहती हैं कि बाउंड्री वॉल का निर्माण पूरा किया जाए। वहीं दूसरी ओर पूरे मामले को लेकर जनपद पंचायत छतरपुर के CEO अजय सिंह का कहना है कि मौके पर टीम भेजकर निरीक्षण कराया जाएगा और इस अधूरे पड़े काम को 15 दिवस के अंदर पूरा कराया जाए। वहीं सहायक यंत्री KS खरे ने भी शीघ्र ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जी मैम, क्या नाम है आपका, कहाँ पदस्थ हैं और आपके परिसर में काफी गंदगी है, ये क्या कारण है? जी सर, मेरा नाम द्रौपदी तिवारी, सर शासकीय प्राथमिक शाला मानपुरा में पदस्थ हूँ जी। और गंदगी का मेन कारण सर जी है कि बाउंड्री वॉल का जो स्वीकृत हुई थी शासन से, उसका अधूरा निर्माण किया गया है जी। पूरा निर्माण हुई नहीं है, इस कारण से जानवर आते हैं, मवेशी सब आकर के शाम को इकट्ठा होकर के यहाँ बैठते हैं और वो गंदगी करते हैं। कहाँ तक हम लोग साफ सफाई डेली के दिन करें, और कहने पर लोग बात सहयोग नहीं करते, कहते हैं उनको क्या करना है। बाथरूम भी गंदे पड़े हैं, बाथरूम वगैरह हैं, हम लोग गंदगी चारों तरफ से रहती है। यहाँ ऐसा तो कोई है नहीं है स्वीपर गाँव स्तर पर के हम रोज रोज सफाई करवाएं, कभी कभार करवा देते हैं तो वो कुछ देखने में आता ही नहीं है कि यहाँ सफाई हुई है। पंचायत में क्या कोई शिकायत की आपने? शिकायत नहीं, जिसे लोग कहने पे हुआ है, कहा है कि मौके तौर पे कहा है कि जी बाउंड्री पूरी करवा दो, तो वो कहते हैं कि गांव वाले नहीं करवाने देते। तो हमने कहा उस पर आप अमल करोगे, कुछ शासन का सहयोग लेकर के जैसा कुछ नहीं हो सके तो जी बाउंड्री पूरी करवा दें आप। तो क्या चाहते हैं आपके, बाउंड्री बन जाए आपकी? जी मैं तो यही चाहूँगी सर कि बाउंड्री वाल का जो पूरा अधूरा निर्माण पड़ा है वो पूरा हो जाए और जिसे अपने साला परिसर में साफ स्वच्छ हो सके। बच्चों पर जो बरसात का सीजन है, पानी भरा हुआ है, कीड़े मकोड़े निकलते हैं, गंदगी होती है, तो इसका मान लो असर गलत पड़ता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि आप सभी के शासन का सहयोग से अगर ये बाउंड्री वाल होती है तो अच्छी बात है। हम आपको कौन से स्कूल में खाना बनाओगे? फूला याद है। कब से बना रही हैं? हम तो हमें हो गई 10-15 साल। अच्छा, 500 रुपये में लगती जब से खाना बना रहे हैं। तो यहाँ जो गंदगी रहती है, क्या गंदगी रहती है? हमको खाना है तो नहीं पुसाती बिल्कुल, बच्चन को खिला रहे वही में हम भी हमें भी खा रहे हैं, बच्चा तो हम भी खा रहे हैं, अकेले हमें कोई जी बहुत मचो गे अच्छी बॉली हो जाए ढलना बेड़ पावे थे हैं जो तो करो चाची। तो यहाँ गांव के लोग जानवर को सिर देते? जानवर हाँ खा के बैठते, हम मारे जाए फेंका गोबर रोज। तो सरपंच सचिव बाउंड्री नहीं बनवा रहा? हाँ कोई नहीं बनवा रहा। क्या चाहती हैं आप? बनवा चाहत हम अच्छा हो जाए, बच्चा भी अच्छे रहें हम भी अच्छे रहें। सर एक मामला आया है ग्राम पंचायत अतनिया का, जिसके अंतर्गत मानपुरा प्राथमिक शाला में बाउंड्री वॉल बनाई गई थी, लेकिन एक साल हो चुका है, एक साल के अंदर वो पूरी नहीं हो सकी। सर किस प्रकार की आपके द्वारा कार्रवाई की जाएगी? आपकी आप लोगों के द्वारा ही यह बात आई है कि ग्राम पंचायत अतनिया के मानपुरा गांव में स्कूल की बाउंड्री वॉल का काम जो है थोड़ा सा अधूरा रह गया है, जिससे स्कूल के अंदर जो है जानवर और गंदगी आ जा रही है। हम प्रयास करते हैं, पंचायत से बात करेंगे, सब इंजीनियर सरपंच सचिव से बात करेंगे और 15 दिन के अंदर जो है इस बाउंड्री वॉल का कम्प्लीट कराएंगे। थैंक यू सर। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है।
नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।